हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी का रिमेनिंग पार्ट, और इसके बाद हमारी बायोलॉजी जो है वो हो जाएगी कंप्लीट। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो एसएससी जेई के लिए, सीएचएसएल के लिए हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। एसएससी जेई की रीजनिंग की भी जो सीरीज़ हमारी चल रही है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करें enquiry.toppersonly@gmail.com, अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो। तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं साइकिल्स के बारे में डिस्कस करूंगी, तो कैल्विन साइकिल से शुरू करते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद दी CO2 फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस। तो कैल्विन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच साइकिल इज एसोसिएटेड विद CO2 फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस, तो आंसर आपका होना चाहिए कैल्विन साइकिल। और ये कहाँ होती है? ऑब्वियसली CO2 फिक्सेशन करती है फोटोसिंथेसिस में, तो इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड इट इज द साइकिल इज लाइट इंडिपेंडेंट बिकॉज इट टेक्स प्लेस आफ्टर द एनर्जी हैज़ बीन कैप्चर्ड फ्रॉम सनलाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल या विच पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट इंडिपेंडेंट। तो कैल्विन साइकिल इज लाइट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कैल्विन साइकिल डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइट, तो इसका ध्यान रखेंगे। और जो मेन एंजाइम है जिसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कैल्विन साइकिल से रिलेटेड है, वो है आपका रिबिस्को। और रिबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोस बाइस बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेस। तो दिस इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, तो रिबिस्को इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। और ये एंजाइम क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद शुगर। तो शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बनाने में रिबिस्को जो है हेल्प करता है, और आफ्टर दिस कॉम्बिनेशन इवेंचुअली अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म, जिसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 3 कार्बन एटम्स। और कहाँ फॉर्म होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो C3 कार्बन एटम्स फॉर्म होते हैं, तो इसलिए, और इन प्लांट्स को जो ये प्रोसेस जो है अपनाते हैं, उन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं। एक और प्रोसेस होता है CO2 फिक्सेशन का, जो कि होता है C4 प्लांट्स में, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। तो C3 प्लांट्स जो हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद हायर CO2 कंसंट्रेशन, यानी जितना आप CO2 ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। एग्जाम्पल जो है C3 प्लांट्स के, वो हैं टोमेटो एंड बेल पेपर। उसके बाद जो ड्राई रीजन में होते हैं प्लांट्स, वो फॉलो करते हैं C4 पाथवे मोस्टली, इसको हैच स्लैक पाथवे भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और एग्जांपल आपके हैं कॉर्न, शुगर केन एंड अमेरेंथ। तो इसमें क्या होता है, जो CO2 आपकी होती है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो रिबिस्को ना होके, वो आपका होता है फोस्फोइनोल पायरूवेट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि C3 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है और C4 में कौन होता है। तो C3 में रिबिस्को होता है और C4 में आपका होता है फोस्फोइनोल पायरूवेट, जिसे PEP भी कहा जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और जो आपका ये C4 पाथवे है, इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे, जहाँ पे CO2 जो है वो पहले जो है PEP फोस्फोइनोल पायरूवेट में ऐड होती है बाय द एंजाइम नोन एज फोस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। पहली फिक्सेशन जो है यहाँ पे होती है मीजोफिल सेल्स में, और इस फिक्सेशन की वजह से एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है मीजोफिल सेल्स में। तो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है। और वो जो है ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल्स में, जहाँ पे CO2 जो है दोबारा से रिलीज होती है फॉर द यूज इन द कैल्विन साइकिल। तो बाद में जो कैल्विन साइकिल है वो आपकी शुरू हो जाती है, और ये सब कहाँ होता है? बंडल शीथ सेल्स में। तो ये भी एक डिफरेंस है कि C4 में जो फिक्सेशन है CO2 की, सेकेंडरी फिक्सेशन, वो बंडल शीथ सेल्स में होती है। उसके बाद जो प्लांट्स ये C4 पाथवे फॉलो करते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो वस्कुलर बंडल्स के आसपास जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनको बंडल शीथ सेल्स कहा जाता है। और उनकी लीव्स जो होती हैं वो फॉलो करती हैं क्रांस एनाटॉमी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रांस एनाटॉमी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट्स, तो ये भी याद रखेंगे। और C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है।
सी थ्री प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है, सी फोर प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, एंड सी फोर पाथवे इज मोर एफिशियंट. उसके बाद जो है रेस्पिरेशन क्या होती है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ के और थ्रू ऑक्सीडेशन और जो एनर्जी रिलीज होती है उस पूरे प्रोसेस को आपका रेस्पिरेशन कहते हैं. दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, और एनएरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है. तो टोटल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो जो है दो पार्ट में होता है. पहला ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन रिलेटेड प्रोसेस होता है जो कि आपको क्रैब साइकिल कहते हैं जिसे. तो देखिए ग्लाइकोलिसिस क्योंकि फर्स्ट पार्ट है और वो दोनों में एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में होता है, तो ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती तो वो एरोबिक में नहीं एनएरोबिक में नहीं हो सकता था. तो एनएरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए आपका जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो दोनों ही तरह की रेस्पिरेशन में होता है. और जो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो गैशियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिसिल्स के थ्रू होता है. और जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसिल्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम और स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन योर लीव्स. तो ये ध्यान रखेंगे, और दोनों ही गैसेस एक्सचेंज के लिए काम आते हैं. स्टोमेटा से आपकी ट्रांसपिरेशन भी होती है. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूविक एसिड विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. और इसको ईएमपी पाथवे इज द मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस. कई तरीके के पाथवे जो हैं एक्सप्लेन किए गए हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो पाथवे है वो है ईएमपी पाथवे. और ये जो है इनके साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है. ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पाथवे जो है डिस्कवर किया था. तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है आपके, पाइरूविक एसिड. तो ये भी ध्यान रखेंगे, और ये इट इज़ ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन. उसके बाद सुक्रोज का कन्वर्जन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में है, वो किस एंजाइम की हेल्प से किया जाता है, इन्वर्टेज की हेल्प से. उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेकेंड पार्ट जो आपका होता है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस वो होता है क्रेब साइकिल. इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं जो कि रेस्पिरेशन के दौरान फॉलो होती है, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. तो तीनों के तीनों जो है एक ही चीज़ है, और ये जो है आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, और अब साइंटिस्ट के नाम पे ही रखी गई है. एंड इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होती है, बट क्रेब साइकिल सिर्फ एरोबिक में होती है एंड इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन. तो ये भी ध्यान रखेंगे. तो ईएमपी पाथवे में और क्रैब साइकिल में भी सेम डिफरेंस है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में है. 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रैब साइकिल्स कंबाइंड. तो अगर ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को कंबाइन करके देखा जाए तो 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं. और ये भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एनएडीएच जो है, एक एनएडीएच जो है 3 ATP प्रोड्यूस करता है, और FADH2 जो है वो 2 ATP प्रोड्यूस करता है. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. उसके बाद आपकी क्रेब साइकिल के बाद फॉलो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो आपके 34 ATP प्रोड्यूस करती है. तो मेजर ATP प्रोडक्शन जो है रेस्पिरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आपकी कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है, और इसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. तो कार्बोहाइड्रेट्स की रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. फैट के लिए इट इज़ लेस देन 1, एंड प्रोटीन के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.9. तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे. और वो प्रोसेस जिसमें मैच्योर प्लांट की लीव्स जो हैं वो जुवेनाइल प्लांट की लीव्स से डिफरेंट होती हैं उसको हेट्रोफाइली कहते हैं उस प्रोसेस को. अब थोड़ी हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं जिस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके बाद मैं आपको MCQs बताऊंगी. अब तक जो कुछ डिस्कस किया है उसके ऊपर सारे MCQs डिस्कस करेंगे. तो प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन जो होते हैं वो तीन होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनेंस. और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड.
जिसको जो है ए बी ए के नाम से भी जाना जाता है और उसको डॉर्मिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। और एब्सिसिक एसिड जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन दी क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो जब भी कभी पानी की कमी हो जाती है तो ट्रांसपीरेशन को रोकना होता है, तो उसके लिए स्टोमेटा को क्लोज करना होता है, तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड यूज़ होता है, तो इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इट रेगुलेट्स डॉर्मेंसी, इट एनहेंस एब्सिशन एंड इट इज़ एंटी गिबरलिन। ये भी बहुत पूछा जाता है कि विच हार्मोन इज़ एंटी गिबरलिन, यानी गिबरलिन के अगेंस्ट काम करता है, ऑपोजिट काम करता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड। और ये जो है हेल्प करता है इथाइलिन हार्मोन की रिलीज़ में भी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विच हार्मोन हेल्प्स इन दी रिलीज ऑफ इथाइलिन, तो वो एब्सिसिक एसिड है। जो इथाइलिन है आपका, ये गैशियस हार्मोन है। ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैशियस हार्मोन, तो इथाइलिन है। ये हेल्प करता है टू ब्रेक द डोरमेंसी और टू इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। ये एज इट इज़ याद करने हैं आपको। इट हेल्प्स इन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, इट एनहेंस एब्सिशन एंड प्रमोट सेंसेशंस। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा जो हार्मोन है वो सेंसेशंस को प्रमोट करता है, जो सेनिसेंस को प्रमोट करता है। और ये जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। जो मेन एजेंट है वो है इथेफोन। तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म इज अ ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट। तो लाइट का उसमें जो है प्लांट का जो रिएक्शन होता है या कैसे उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। एंड विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल। ऑक्सिन जो है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किसने इनको आइसोलेट किया था इसको, तो F.W. वेंट ने जो है डिस्कवर किया था ऑक्सिन। और ये कहाँ से डिस्कवर किया था? फ्रॉम द टिप्स ऑफ कॉलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच हार्मोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप्स ऑफ कॉलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स, तो ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? कि ऑक्सिन जो है वो टिप्स में पाया जाता है, स्टेम्स की टिप्स में पाया जाता है। तो ये जो है प्लांट को जो है इलोंगेट करता रहता है और लेटरल ब्रांचिंग जो है उसको रोक देता है। तो इस प्रोसेस को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, कि लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ना उगके प्लांट सीधा सीधा लंबा होता जाता है। तो अगर आप ऊपर से टिप काट देंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट जो है ऊपर ना होने की बजाय उसके नीचे जो है ब्रांचेस उगाती हैं। दे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। तो ये भी पूछा जाता है विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, तो ऑक्सिन इज़ रिस्पॉन्सिबल। पार्थिनोकार्पी क्या होती है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, तो अब यहाँ नहीं रिपीट कर रही हूँ। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू किल डायकॉट वीड्स। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच हार्मोन इज़ यूज टू किल डायकॉट वीड्स। अब दूसरा जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन वो है गिबरलिन्स। और ये कहाँ से जो है आइसोलेट किया गया था? फ्रॉम दी फंगल पैथोजन गिबरला फ्यूजी क्यूराई। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? इट कॉज बैकने डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स। तो जो फंजाए बैकने डिजीज कॉज करती है वहाँ, उसमें से जो है ये आइसोलेट किया गया था पहली बार। और ये क्या हेल्प करता है? इट कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट। ये सेंस को जो है डिले करता है। तो ये जो है डिले करता है, और जल्दी कौन करता है? आपका इथाइलिन जो है वो जल्दी करता है सेंसेशंस। और क्योंकि गिबरलिन आपका जो है डिले करता है, तो इसलिए मार्केट पीरियड को बढ़ा देता है, यानी कि जल्दी से आपके जो फ्रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। और ये जो है शुगर केन की स्टेम की भी लेंथ इंक्रीज करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये माल्टिंग प्रोसेस को भी स्पीड अप करता है। उसके बाद साइटोकाइनेंस है, वो हेल्प करता है टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, यानी कि इट एक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन जो है आपका वो एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है और साइटोकाइनेंस उसको दूर करता है। इसी तरह जो प्लांट का रिस्पॉन्स है टू द पीरियड ऑफ डे एंड नाइट इज नोन एज फोटो पीरियडिज्म। तो ये भी पूछा जाता है। लॉन्ग डे प्लांट्स किन्हें कहा जाता है? वो प्लांट्स जिनको जो है फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग एक्सपोजर टू लाइट चाहिए,
यानी कि ज़्यादा देर तक लाइट चाहिए तभी वो फ्लावर करते हैं, उन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है। इसी तरीके से शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिनको शॉर्ट पीरियड चाहिए होता है लाइट का, तभी वो फ्लावर करते हैं। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड लाइट में रखा जाएगा तो फ्लावर नहीं करेंगे, उन्हें शॉर्ट डे प्लांट्स कहा जाता है। इसी तरह आपके डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं जिनकी फ्लावरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लाइट का, कम या ज़्यादा होने से लाइट के कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर फ्लावरिंग जो है वो डिपेंड करती है कि लो टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, तो उस फिनोमिना को कहते हैं वर्नलाइजेशन। बाईएनियल प्लांट वो होते हैं जो 2 साल में जिनकी ज़िंदगी जो है पूरी हो जाती है, तो पहले साल जो है उनका जुवेनाइल स्टेट रहती है और वो फिर फ्लावर सेकेंड ईयर में फ्लावर करते हैं, और उसके बाद उनकी लाइफ साइकिल जो कम्प्लीट हो जाती है तो वो फ्लावर सिर्फ एक बार करते हैं, तो इसलिए दे आर मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल आपका जो है वो है शुगर बीट, कैबेज एंड कैरेट्स, दे आर बाईएनियल। इसी तरीके से एनुअल्स होते हैं जो एक ही साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके जो है मर जाते हैं। उसके बाद पेरिनियल होते हैं जो कि सालों साल जो है ज़िंदा रहते हैं और बहुत बार फ्लावर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल अकरिंग गैशियस हॉर्मोन, तो इथाइलिन। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन इज़ प्रेजेंट इन दी राइपनिंग फ्रूट्स, जो फ्रूट्स जो हैं पक रहे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन में इथाइलिन होता है। क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स आर द फ्रूट विच एग्जिबिट इंक्रीज इन रेस्पिरेशन जस्ट बिफोर फाइनल स्टेजेस ऑफ राइपनिंग, तो जब फ्रूट पूरी तरह पकने वाला होता है तब एकदम से रेस्पिरेशन अगर बढ़ जाती है तो उन फ्रूट्स को क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स कहते हैं। जो एब्सेसिक एसिड है उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों के अंदर से होता है, और एब्सेसिक एसिड का सिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट में शुरू होता है। ये सारे ही क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। जेनेटिक ड्वार्फिज्म कैन बी नलीफाइड बाय स्प्रेइंग गिबरलिंस, तो ध्यान रखिएगा गिबरलिंस का मेन काम है लेंथ को बढ़ाना, तो इसलिए ड्वार्फिज्म को कंट्रोल क्या कर सकता है, गिबरलिंस। ट्रांसलोकेशन ऑफ गिबरलिंस प्रीडोमिनेंटली टेक्स प्लेस इन फ्लोएम, तो ये भी याद रखिएगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ साइटोकाइनिन इज पोलर, ये भी पूछा जाता है, एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम, ये भी पूछा जाता है। तो साइटोकाइनिन जाइलम में से, गिबरलिंस फ्लोएम में से, एब्सेसिक एसिड दोनों में से। अब जो टिश्यू कल्चर है उसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो जो है बहुत मैटर करता है। अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन से कम मात्रा में अवेलेबल है तो रूट डिफ्रेंसिएशन होती है, यानी ज़्यादा ऑक्सिन होने से रूट डिफ्रेंसिएशन होती है, और अगर ऑक्सिन कम है और साइटोकाइनिन जो है वो ज़्यादा है तो आपकी शूट डिफ्रेंसिएशन होती है। तो याद रखिएगा ऑक्सिन अगर ज़्यादा है तो रूट डिफ्रेंसिएशन होगी, ऑक्सिन अगर कम है तो शूट डिफ्रेंसिएशन होगी। साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट इंक्रीजेस क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये भी याद रखेंगे, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए साइटोकाइनिन जो है वो ज़रूरी है, और इट इज़ प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन मेरिस्टमैटिक टिश्यू, तो ये भी याद रखेंगे। पहला नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो लिक्विड एंडोस्पर्म से आइसोलेट किया था, उसका नाम था जिएटिन। ऑक्सिन जो है वो पोलर है, तो ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट है वो पोलर है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन थाइलाकॉइड्स, तो ये भी याद रखेंगे, और ये जो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये कौन सी रेंज में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल लाइट रीजन, और कौन से पिगमेंट कौन सी लाइट के लिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ब्लू और रेड के लिए। ब्लू और रेड लाइट सबसे अच्छा होती है फोटोसिंथेसिस के लिए और ग्रीन लाइट सबसे ख़राब होती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक तो लाइट रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, और एक डार्क रिएक्शन जिसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो डार्क रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस के वो वर्कआउट किए थे मेल्विन केल्विन ने, और तभी वो आपका केल्विन साइकिल आई। और उसके बाद जो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, वो स्ट्रोमा में होता है, तो द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा, और लाइट रिएक्शन जो आपके हैं वो होते हैं ग्रैना में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एलिमेंट है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नीशियम। द हाइपोथेसिस दैट ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वॉज प्रपोज्ड बाय वैन नील। द अमाउंट ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सी4 साइकिल इज 30 ATP, तो इसको भी याद कर लीजिए।
फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू लाइट, अभी बताया मैंने. थियोरी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन बाय ब्लैक मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है. ये क्या कहती है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है सपोज लाइट उतनी ही रखें और जो है CO2 की मात्रा बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ CO2 बढ़ाने से आपका जो है प्लांट जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा. वो एक लिमिट तक ग्रो करेगा, उसके बाद अगर आप लाइट को फर्दर नहीं इंक्रीज़ करते तो CO2 को फर्दर इंक्रीज़ करने से कोई भी इफ़ेक्ट प्लांट की ग्रोथ पे नहीं पड़ेगा. तो ये मोटे से तौर पे ये कहने का मतलब है कि जितने भी चीज़ों पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है उन सबको बढ़ाना पड़ता है, तभी जो है एक्चुअल ग्रोथ होती है. नहीं तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो एक लिमिट आ जाएगी जिसके बाद जो है प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट नहीं होगी. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ रिडक्टिव, एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक. तो याद कर लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं बट फिर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो एल्गाए करती हैं जो कि ओशन में होती हैं. विच कलर इज लीस्ट इफेक्टिव, ग्रीन लाइट. The hydrogen donor in bacterial photosynthesis is usually hydrogen sulfide. ये भी question बहुत पूछा जाता है. और जो percentage of light actually fix होती है photosynthesis में वो सिर्फ 1% होती है. Light is necessary for in photosynthesis to produce ATP and as a reduce and a reducing substance. तो इस काम के लिए light जो है वो ज़रूरी होती है to produce ATP and a reducing substance. Which of the following is necessary for biological nitrogen fixation? Yeah, which of the following is required for nodulation in legumes? Yeah, which of the following is required for nitrate reduction? So, तीनों ही questions का एक ही answer है, molybdenum. तो याद रखिएगा. In C4 plants, synthesis of glucose occurs in bundle sheath cells. तो ये मैंने अभी आपको बताया था. मीजोफिल सेल्स में जो है पहली फिक्सेशन होती है CO2 की और फिर फाइनली जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस जो है वो बंडल शीट सेल्स में होती है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, तो जो प्राइमरी प्रोसेस होता है वो आपका लाइट रिएक्शन होता है और बाद में सेकेंड दोबारा दूसरा प्रोसेस होता है आपका डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन जो है वो आपके ग्रेना में होते हैं और डार्क रिएक्शन जो है आपके स्ट्रोमा में होते हैं. द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ कैल्विन साइकिल्स आर, तो कैल्विन साइकिल के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास? ऑब्वियसली CO2, ATP एंड NADPH2. इसके लिए आपके कैल्विन साइकिल के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं. डैश आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म स्टैक ऑफ कॉइन्स, तो कौन है जो ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक सिक्के रख दिए हों, तो थायलाकॉइड्स का स्ट्रक्चर होता है ऐसा जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है आपका. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड CO2 इज रिड्यूस्ड, तो ये याद रखेंगे. ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. तो लाइट रिएक्शन के दौरान जो ATP सिंथेसिस होता है उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं. इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेप इज द फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल. कैल्विन वॉज गिवन नोबेल प्राइज फॉर कैल्विन साइकिल विच इज अ मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन. डायबैक शूट्स जो है वो कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. लिटिल लीफ डिजीज जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है. प्लांट जो है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में, तो नाइट्रिफिकेशन इसीलिए होता है. बैक्टीरॉयड क्या होता है जिसे राइजोम भी कहते हैं, उसका मतलब है लिविंग बैक्टीरिया बट विच कैन नॉट डिवाइड. स्टूडेंट्स अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस enquiry.toppersonly@gmail.com. लिंक जो ईमेल एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है. द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन हायर प्लांट्स इज मास फ्लो थ्योरी. स्टोमेटा जो है यूजुअली दिन में खुलता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो गैशियस एक्सचेंज होता है CO2 का वो उसी के थ्रू होता है और रात में क्लोज रहता है. लेकिन कुछ प्लांट्स में वो रात को खुलता है और दिन में क्लोज रहता है टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. तो वो किस केस में होता है? वो जो है उन प्लांट्स को सकलेंट्स कहते हैं
जो कि बेसिकली ड्राई एरियाज़ में पाए जाते हैं, और ये जो है CO2 फिक्सेशन रात को करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्लांट्स जो हैं CO2 फिक्सेशन रात को करते हैं, दिन में नहीं करते, तो वो है सकलेंट्स, और ये जो है इसीलिए CO2 जो है दिन में रिलीज़ करते हैं, रात को नहीं करते, क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये जो है CO2 फिक्सेशन का प्रोसेस रात को करते हैं, तो इसलिए ये CO2 रिलीज़ जो है दिन में करते हैं। ट्रांसपिरेशन इज लीस्ट इन हाई एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो बाहर जितनी एयर में ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही ट्रांसपिरेशन जो है आपकी कम होगी। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर। वाटर एब्जॉर्प्शन इज डन बाय रूट हेयर्स। एक्टिव अपटेक ऑफ मटीरियल्स बाय रूट्स मेनली डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। कूलिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। रेनी सीजन्स में वुडन डोर्स जो हैं वो अड़ जाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्बिप्शन। वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे वो ज़ीरो होता है। कौन सी वाटर है जो रेडली अवेलेबल होती है प्लांट्स के लिए फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, तो वो कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ लोकेट होते हैं, दे आर लोकेटेड इन क्रिस्टे। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन प्लांट इज साइटोप्लाज्म, तो ये भी याद रखेंगे। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द एनुअल प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस मेनली बाय स्टोमेटा। क्रैब्स साइकिल आपकी कहाँ होती है, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलेट साइकिल। इन सकलेंट ज़ीरोफाइट्स RQ इज ज़ीरो, यानी CO2 बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये ड्यूरिंग नाइट। RQ इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी इन केस ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक एसिड्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर ऑर्गेनिक एसिड्स को रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स की तरह यूज़ किया गया है तो वो जो है उनका RQ जो है वो मोर देन यूनिटी होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो मोर देन यूनिटी किस केस में होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स के केस में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यीस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड CO2, बहुत पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। द नेट गेन ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट सेल इज 36 ATP, तो ये भी याद रखेंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से 36 ATP जो है प्रोड्यूस होते हैं। Incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid is known as glycolysis. The first phase of breakdown of glucose in animal cell is also glycolysis. End products of citric acid cycle या Krebs cycle के CO2 और H2O होते हैं। Pyrethrin is obtained from chrysanthemum. Azolla is used as biofertilizer because it has cyanobacteria, तो इसलिए nitrogen fixation में help करते हैं। मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बॉर्डीएक्स मिक्सचर इज कॉपर सल्फेट। तो बॉर्डीएक्स मिक्सचर जो है उसको बॉर्डो मिक्स भी कहा जाता है, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड स्लेकेड लाइम विच इज़ यूज्ड एज अ फंजाइसाइड, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बॉर्डीएक्स मिक्सचर इज अ फंजाइसाइड। उसके बाद IPM किस लिए स्टैंड होता है, तो इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड विद सॉर्गम इज एजोस्पिरिलियम, और कॉटन के साथ क्या एसोसिएटेड है, एजोटोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। माइकोराइजिया मैं कई बार बता चुकी हूँ, इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स। इंसेक्टिसाइड्स जो है जनरली कहाँ अटैक करती हैं, दे अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Through which part of the leaves plants lose maximum water? So they lose maximum water through transpiration that occurs from the stomata. Due to large quantity of nutrients in water, an excessive growth of algae takes place. Which of the following is an insectivorous plant? So pitcher is an insectivorous plant. इनमें से कौन सा जो है correct pathway है water movement का in the root? तो रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल और फिर जाइलम। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो लुइस पैश्चर ने कहा था ये. इन विच ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स ऑक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स. तो थॉर्न्स विच आर मॉडिफाइड स्टेम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोगेनविलिया. ये भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. वाटर पोटेंशियल क्या होता है? तो वाटर पोटेंशियल जो होता है इट इज सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. और इंटरनल वाटर पोटेंशियल जो होता है प्लांट सेल का वो ज़्यादा नेगेटिव होता है देन प्योर वाटर. क्यों? ताकि वाटर जो है वो मूव कर सके सॉइल से रूट्स में वाया ऑस्मोसिस. तो ये भी याद रखिएगा कि जो वाटर पोटेंशियल है प्लांट सेल का वो नेगेटिव होता है देन प्योर वाटर, ताकि वाटर जो है मूव कर सके प्लांट के अंदर. इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा जो आपकी रूट्स हैं वो बाहर निकल आती हैं, उनको क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स. ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको. वॉट इज द प्रोसेस बाय विच टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट? तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं. हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल्सो फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया? तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक. प्लांट विद लार्जेस्ट फ्लावर इज रेफ्लीजिया. वॉट टाइप ऑफ फ्रूट इज पाइनएप्पल? सिलिक्वा टाइप ऑफ फ्रूट क्या होते हैं? जिनमें दो फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं विद द लेंथ बींग मोर देन 3 times द विड्थ. तो ऐसे फ्रूट्स को सिलिक्वा कहते हैं. और कार्पल्स वगैरह क्या होते हैं वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ. जब लेंथ जो है आपकी लेस देन 3 times द विड्थ हो फ्रूट की तो उसको सिलिकल कहते हैं. तो ये भी ध्यान रखिएगा. और सोरोसिस जो होता है ये मल्टीपल फ्रूट होता है. एग्जाम्पल आपका है पाइनएप्पल. एग्जाम्पल है आपका पाइनएप्पल एंड मलबरी. तो पाइनएप्पल इज अ सोरोसिस काइंड ऑफ फ्रूट. सिंकस सिंकोनस जो है उसका एग्जाम्पल है फिकस. स्ट्रॉबिलस इज अ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पाइनस. जो कोन होते हैं पाइन के फिर के या जो भी कॉनिफर्स होते हैं उनको जो है उनके साथ एसोसिएटेड होता है स्ट्रॉबिलस. मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट्स आर फर्न्स. तो फर्न्स जो है यानी कि टेरिडोफाइट ग्रुप जो है वो सबसे पहले उनमें जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत हुई है. टेम्परेरी विल्टिंग अकर्स इन प्लांट ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. कौन सी जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होती है? सेल वॉल. येल्लो कलर जो मैंगोज में होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ कैरेटिनॉइड्स. जो टोमेटो का रेड कलर होता है वो भी कैरेटिनॉइड की वजह से होता है. और कौन सा पिगमेंट की वजह से होता है? लाइकोपीन. द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोजन. थिग्मोट्रिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू कॉन्टैक्ट या टच. ग्रेविटी की तरफ के रिस्पॉन्स को जियोट्रोपिज्म कहा जाता है आपके. और लाइट का मैंने बताई दिया फोटोट्रोपिज्म. रूट हेयर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एपिडर्मिस. तो ये भी याद रखेंगे. ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन रिजल्ट इन अ नेट गेन ऑफ हाउ मेनी एटीपीज? 2 ATPs. फोटोफोबिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फ्यूजी फॉर्म रूट? तो रेडिश जो होते हैं उनमें जो है फ्यूजी फॉर्म रूट पाई जाती है. कौन से पार्ट से जो है लीव्स मैक्सिमम वाटर लूज करती हैं? स्टोमेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? बताया मैंने पहले भी पिक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट? तो हाइड्रोजन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट. तो दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं मैक्रो एंड माइक्रो. माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्लांट को और मैक्रो जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. मैं लिस्ट बनाना भूल गई हूँ इनकी, तो आप एक लिस्ट इनकी ज़रूर बना लीजिएगा कि माइक्रो में कौन कौन से आते हैं और मैक्रो में कौन कौन से आते हैं और कितने नंबर क्या है इनका. तो ये लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिएगा, मैं भूल गई इस वीडियो में बनाना आपका. इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेट टू बी आइसोटोनिक. ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या होते हैं आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट? तो आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट. हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन दीज आर ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. आयरन
मैंगनीज, कॉपर, जिंक, दीज आर ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक्सेप्ट वन. आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में आपको मैंने पहले ही बताया क्या चाहिए होता है. आपको प्रोटीन्स चाहिए होता है, ये हाईली सिलेक्टिव होता है एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो सैचुरेट हो जाता है, तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एटीपी एनर्जी. तो ये जो है इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. विदाउट यूज़ ऑफ सॉइल प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स. मैंने पहले भी बताया है आपको स्टूडेंट्स. इसके बाद में कुछ एनिमल्स से रिलेटेड बातें जो हैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ रह गए हैं. मुझे जहाँ पे भी अच्छे एमसीक्यूज़ मिलते हैं तो मैं उनको कोशिश करती हूँ शेयर करने की. तो नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ब्लड इज 70 to 100 mg/dL. द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ इज कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस. What is the effect of excess phosphorus in the aquatic environment called? So it is known as eutrophication, excess phosphorus ko. Origin of species by natural selection was written by Charles Darwin. Cockroach is omnivorous. Which is the only bird that can fly backward? So hummingbirds can fly backward as well. The number of occipital condyles in man is 2. सिग्नेट रिंग जो है किसकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है? प्लाज्मोडियम के में, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है. माइग्रेटरी लार्वा ऑफ एस्कैरिस प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया नोन एज लॉयफ्लर्स सिंड्रोम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑस्मो कॉन्फॉर्मर? तो हैगफिश, शार्क्स एंड स्केट्स आर ऑल ऑस्मो कॉन्फॉर्मर. द सोरिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर चूज़ करें, अदरवाइज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. पीडीएफ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे, जो कि है inquiry.toppersonly@gmail.com. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.